अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की बनाई वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ हल्के, मध्यम और गंभीर बीमारी में 90.4% कारगर पाई गई है। ऐसे में भारत सरकार जल्द ही नोवावैक्स के मजबूत अंतरिम डेटा के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इसकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में जल्द काम शुरू करने के लिए कहेगी। नोवावैक्स और सीरम ने एक साल में कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ खुराक तैयार करने का करार किया है। अगस्त में यह डील साइन की गई थी और सितंबर दिसंबर तक खुराकों के मिलने की उम्मीद भी है। खुराक की संख्या जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाई जा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक नोवावैक्स कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से प्रोटेक्ट करने में भी कारगर रही है। बेहतर रिजल्ट की वजह से जल्द ही इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी के बीच कंपनी ने ये नतीजे जारी किए हैं। समझौते के मुताबिक कम और मध्यम आय वाले देशों और भारत के लिए कम से कम 100 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जाएगा। नोवावैक्स की वैक्सीन का भारत में नाम कोवावैक्स होगा। फिलहाल SII वैक्सीन वैक्सीन का 18 साल से ज्यादा उम्र के 1600 लोगों पर ट्रायल करेगी। SSI बच्चों पर भी ट्रायल करना चाहती है। जिस तरह की संभावनाएं बन रही है, इसे में नोवावैक्स की वैक्सीन को सबसे पहले भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। नोवावैक्स में लैब में बनाए गए प्रोटीन की परतियों से तैयार की गई है। यह अभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे कुछ अन्य टीकों से थोड़ा अलग है। नोवावैक्स टीके को फ्रिज में मानक तापमान पर रखा जा सकता है और यह वितरण करने में भी आसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।